हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों आइए हम लोग आज क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे वायरस। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ हैं, वायरस से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वायरस की खोज किसने किया, इसके बारे में टोटल हम जानकारी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं वायरस। ये वायरस, इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। और वायरस की बात करें तो ये दोस्तों बहुत अति सूक्ष्म ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन के कण होते हैं जो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इसको वायरस की अगर बात करें तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। सजीव और निर्जीव के बीच की महत्व कड़ी का मतलब क्या हुआ कि ये सजीव अवस्था में भी हो सकता है और निर्जीव अवस्था अर्थात दोनों स्टेज में हो सकते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों में हो सकते हैं। इसको कई बार प्रयोग किया गया, वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग भी किया था कि बहुत सारे वायरस को एक शीशे में बंद करके बहुत साल तक रखा गया, देखा गया कि वह मृत अवस्था में ही था, उसमें कोई परिवर्तन चेंजिंग नहीं आया था। जब उसी वायरस को निकाल कर किसी सजीव में प्रवेश कराया गया तो देखा गया कि वह जो निर्जीव पड़ा हुआ वायरस था वो पुनः जीवित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया जो वायरस थे सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में होते हैं ये वायरस, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की ये जीवन की कड़ी मानी जाती है। किनको? वायरस को। अगर वायरस की बात करें तो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो इसके बाद अगर बात करें खोज की तो 1892 में एक रूसी वनस्पतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है इवान नोवोस्की। इवान नोवोस्की ने इसकी खोज की थी। वे कब खोज किए थे इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने खोज उस दरमियान किया था दोस्तों जब ये तंबाकू के मोज़ेक नामक रोग, तंबाकू की एक पत्ती होती है उसके ऊपर चितकबर प्रकार का धब्बा होता है, उसको मोज़ेक नामक रोग कहा गया। उन्हीं का कारण का ये पता लगा रहे थे कि आखिर ये रोग किन जीवाणुओं के कारण किस प्रकार से हो रहा है। तो जब वे खोज कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने वायरस का खोज किया और देखा कि ये जो मोज़ेक नामक रोग है इन्हीं वायरस के कारण फैल रहे थे। तो उन्हीं तंबाकू के पत्तियों में मोज़ेक रोग का खोज का पता करते समय इस वायरस का खोज उन्होंने किया था। इसके बाद दोस्तों अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये इसके तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है पादप विषाणु। पादप विषाणु अर्थात प्लांट, पेड़ पौधों में फैलने वाले विषाणु होते हैं, ये इनके कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये होते हैं और इसको बोलते हैं पादप विषाणु, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है, इनके पादप विषाणुओं में क्या होते हैं कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA पाए जाते हैं। पादप विषाणुओं में RNA पाए जाते हैं। अगर दूसरी बात करें, जंतु वायरस होते हैं जिसको हम एनिमल वायरस बोलते हैं, और एनिमल वायरस के अंतर्गत जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसके अंदर, तो वो RNA तथा कभी कभी DNA, RNA और DNA दोनों आपको उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमको ये जंतु वायरस के अंतर्गत कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? DNA और RNA दोनों उसमें पाए जाते हैं। इसी कारण रोग भी होते हैं दोस्तों, इसके कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है तथा मम्पल्स रोग वायरस होते हैं इसके कारण होते हैं। ये होते हैं आपको जंतु में, और आगे बहुत सारे के रोग होते हैं आपको हम बताएंगे। अगर तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप है दोस्तों बैक्टीरियोफेज, या इसको जीवाणु भक्षी कहते हैं। जीवाणु भक्षी क्या होते हैं कि ये केवल जीवाणुओं पर ही होते हैं, ये इनका काम ही है, इन वायरस का काम है जीवाणुओं को खाना, इसलिए इसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी या जीवाणु भक्षी के भी नाम से इसको जानते हैं। ये किस पे आश्रित होते हैं? जीवाणु पर होते हैं। इनमें केवल DNA होता है, RNA नहीं होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में दोस्तों केवल DNA होता है, RNA नहीं होता है। तो इतनी जानकारी प्राप्त हुई ना। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे, विषाणुओं का जनन, विषाणु किस प्रकार से फैलते हैं, इनका प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो इनका प्रजनन गुणन अर्थात मल्टीपल में होता है। अगर जैसे मान लीजिए एक वायरस है तो उससे दुगुना, जैसे दो हो जाएंगे, फिर दो हैं तो फिर उनसे आठ कक, जिससे कि मान लीजिए कि एक वायरस है, एक से यहाँ फिर दो हुए, फिर इनका आगे चल कर फिर ये दोगुना हो जाएंगे, फिर ये दोगुना, फिर इनसे फिर इनका ये दोगुना, फिर इनका दोगुना, फिर इनका दोगुना, अर्थात ये मल्टीपल में
अर्थात कई गुना में एक संख्या में ये वृद्धि करते रहते हैं, इसलिए इनको हम गुणन में अर्थात मल्टीपल में इनका वृद्धि, इसलिए वायरस है आजकल वायरस आप देख रहे हैं कोरोना चाहे कोई भी वायरस इतनी जल्दी बढ़ते हैं। अर्थात बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण यही है कि इनका जो प्रजनन है गुणन में होता है अर्थात मल्टीपल में होता है और बहुत जल्दी ये विकास कर लेते हैं अपने शरीर के अंतर्गत कहीं भी जाते हैं। जैसे कोई जानवर हुआ, पेड़ पौधा हुआ या हमारा शरीर ही मनुष्य का शरीर हुआ, अगर इसमें वायरस का एंट्री होता है तो अपनी ये वृद्धि बहुत तेज़ी से करते हैं। किसके कारण, ये गुणन के कारण अर्थात मल्टीपल में वृद्धि करते हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि वायरस की सबसे छोटी अगर वायरस की बात करें तो इसका माप लगभग होता है 10 मिली माइक्रोन होता है, और ये 10 मिली माइक्रोन का सबसे छोटा व्यास का ये वायरस होता है। ये अक्सर डायरिया रोग होता है, डायरिया रोग में ये देखा जाता है, और डायरिया रोग के उत्पन्न होने के यही वायरस हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें खास करके ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, इसमें ये बहुत इतना खतरनाक है कि इसमें बच्चे की जान तक जा सकती है। तो ये डायरिया नामक रोग में होता है, ये सबसे छोटा है, आप याद रखिएगा 10 मिली माइक्रोन का होता है। अगर बड़े वायरस की बात करें तो सबसे बड़ा वायरस होता है 300 से 400 मिली माइक्रोन का होता है आम आपका। इसका ये ज़्यादातर वायरस चेचक में होते हैं, वैसे देहाती भाषा में माता माई बोला जाता है। इस वायरस को चेचक, चेचक देते जो चेहरे पर होते हैं, जो शरीर पर होते हैं, उनको चेचक में होते हैं। इनकी सबसे बड़ी आकृति होती है 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। चेचक पहले बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे, इसके कारण गांव के गांव समाप्त हो जाया करते थे। इसको हम बड़ी माता या छोटी माता के नाम से जाने जाते हैं। वैसे इसका पूरी रूप से अब तो बहुत हद तक इसका तो इलाज संभव हो चुका है, लेकिन पहले इसका इलाज नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ चेचक में वायरस ऐसे हैं जिनका अभी भी फुल्ली हम कहें तो इलाज नहीं है। उसका साफ सफाई या उससे संबंधित जो भी बचाव है उसी के कारण उसको बचाया जा सकता है। तो ये होते हैं सबसे बड़े आकृति की। अगर बात करें वायरस के दोस्तों, जहाँ कुछ हानियाँ होती हैं ना, कुछ लाभ भी होते हैं। तो वायरस के लाभ हैं, इसमें देखिए, ये वायरस हम बोले थे आपको बताएं कि सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में पाए जाने के कारण इसका ज़्यादातर अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में होता है। किसमें होता है, जीवों का अध्ययन करने में, कौन से जीव किस प्रकार से होते हैं, ये क्या उनके गुण होते हैं, अर्थात जैव विकास के अध्ययन में, कि ये कोई भी जीव कितना साल पुराना है उसके विकास को देखने के लिए अर्थात जैव विकास के अध्ययन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि जो जल होते हैं ना, जल खराब न हो, जल सड़े ना, इसके लिए भी इस वायरस का प्रयोग किया जाता है। तो जल को खराब होने से बचाने के लिए भी वायरस का प्रयोग कर सकते हैं, ये लाभ के अंतर्गत आता है। इसके बाद नीले शैवालों की सफाई करने के लिए, जो भी पानी के अंदर होते हैं ना शैवाल, तो नीले शैवालों की सफाई करने के लिए भी आपके वायरस का ही प्रयोग होता है। अगर बात कर लें दोस्तों सिंपल भाषा में कि अगर रोग की, तो वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो आप देख सकते हैं सिंपल है, एड्स है, खसरा है, चेचक, हर्पीज, पोलियो, रेबीज, ट्रेकोमा आँख से संबंधित रोग होता है, और आज नया हम देख रहे हैं आप लोग कोरोना। कोरोना के कई सारे स्टेज हैं, बहुत सारे इसके रूप देखे गए, अभी कन्फर्म नहीं किया गया जा चुका है कि कोरोना का हकीकत में क्या रूप है, क्या स्वरूप है, ये बदलता हुआ है। तो इस प्रकार से ये वायरस से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस छोटी सी वीडियो में वायरस के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।